तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग न्यास में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने 50 और सेवा इंटरनेशनल ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स राज्य सरकार को भेंट किए। यूपीईएस ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए। सेवा इंटरनेशनल ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किए भेंट। मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। प्रधानमंत्री ने फोन कर जाना उत्तराखंड का हाल। पीएम ने प्रदेश को हर संभव सहायता के लिए किया आश्वस्त। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे हैं, जिससे जितना बन पा रहा है वो इस दुख की घड़ी में मदद को आगे आ रहा है। इस कड़ी में यूपीईएस ने 50 और सेवा इंटरनेशनल ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यूपीईएस और सेवा इंटरनेशनल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इनमें से कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ी जनपदों के अस्पतालों में भेजे जाएंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। सीएम ने किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू। न्याय पंचायत स्तर तक हो टीकाकरण की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को दिए निर्देश। बूथों पर बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए करें अलग से व्यवस्था। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। एक तरफ रोज लाखों में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या है, तो दूसरी ओर वैक्सीनेट हुए लोगों की सरकार और प्रशासन वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान दे रही है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने टीकाकरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं को कोविड टीकाकरण होना है, जिसके लिए राज्य सरकार 400 करोड़ का खर्च वहन करेगी। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजपुर खजान दास, विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार RBS रावत, जिलाधिकारी देहरादून समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।